मेदिनीनगर शहर स्थित दो नंबर टाउन कुम्हार टोली में 60 वर्षों से रह रहे एक आदिवासी परिवार पर लगातार हो रहा है जुल्म, शोषण व अत्याचार। लाचार बेबस इस परिवार पर कुछ दबंग परिवार के लोगों ने हाथापाई के साथ साथ कुदाल व धारदार औजार से किया था जानलेवा हमला। यह दबंग परिवार कोई और नहीं बल्कि जिसे आदिवासी परिवार के लोगों ने बसाया वही आज दे रहा है जान से मारने की धमकियां। स्थानीय टीओपी 2 थाने को कई बार दी गई है इसकी सूचना, पर पुलिसिया अधिकारी ही दबंगों के बन बैठे हैं दलाल। उल्टा आदिवासी परिवार को थाने में बुला, पुरुष के अलावा महिला के साथ भी लगातार किया जाता रहा है दुर्व्यवहार। घटनास्थल से ग्राउंड रिपोर्टिंग में द न्यू रेवल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ लाचार बेबस परिवार ने क्या क्या सुनाया अपना दुखड़ा, देखिए आज की इस स्पेशल एपिसोड में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन जनता की आवाज, और इस वक्त में जनता की आवाज में ये शहर थाना दो नंबर टाउन के पास मैं उपस्थित हूँ। और दो नंबर टाउन ये कुम्हार टोली के नाम से जाना जाता है, और ये जिस घर की मैं बात आज करने जा रहा हूँ ये कम से कम नहीं पे भी तो 50 से 52 साल पुराना ये घर है। मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, इधर दिखाइए, ये पुराना घर था, यहाँ देखिए ये पुराना घर था, इसको तोड़ के अब बनाया जा रहा है क्योंकि ये पीएम आवास के तहत इनको आवास मिला है, इधर देखिए, और ये अभी तोड़ के ये बना रहे हैं। और आज सुबह कुछ यहाँ के जो दबंग लोग हैं, जो जिनको रोड जाने के लिए पीछे रोड नहीं है, वो रोड मांग के लिए वो इनको दबाव दे रहे हैं कि यहाँ से आप दीवार मत दो। और मैं देख पा रहा हूँ, इधर दिखाओ, इधर दिखाइएगा, मैं कैमरे मैन से करूँगा, देखिए ये दीवार पुराना वाला दीवार जो ब्लू कलर का दीवार है और उसी पर वो दे रहे हैं, और आप समझ सकते हैं ये 50 साल पुराना दीवाल है और इसी पे फिर से वो दीवाल दे रहे। इसके बावजूद भी इनको क्या आरोप लग रहा है और क्यों नहीं बनने दे रहे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सबसे पहले, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सतेंद्र कुमार सिंह चेरो है जी। क्या परेशानी हुआ आपको? जी सर, हम मकान बना रहे हैं तोड़ करके पीएम आवास के लिए जी, तो इस बीच में जो है हमको थाना में बुलाया गया कि तुम जैसे नापी करा के बनाओ, हमको क्या आपके मैंने हमारा तो कोई नोटिस नहीं है, किसी तरह का कोई केस नहीं है, तो ना वो 144 हुआ था ना 6 महीना पहले, हमको वो तो खत्म हो गया, तो नापी तुम कराया, हमको जिसको जमीन बुलाया होगा वो ना कराएगा, हम क्या कराएंगे। और पहले से ये घर आपको कितने साल पुराना है ये घर, हम जिस तरह के हमें जान पा रहा हूँ और जानकारी है मुझे, ये नहीं पे भी तो 50 साल 52 साल से ऊपर का घर है। उस समय आपको कोई आरोप नहीं लगाया कि यहाँ छोड़ दो या फिर ऐसे करो? ना, कोई नहीं लगाया। इसे तो हम यहाँ से 33 साल से हैं, ससुराल में हैं, पत्नी हमारा जो है 3 वर्ष पहले के उम्र में थी उसी समय से रह रही है। तो मैं ये जानने का कोशिश करूंगा आपसे कि अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको ये आरोप लगा रहा है कि यहाँ से दीवार मत दो, रास्ता छोड़ो, कौन ऐसा बोल रहा है? वो बिहारी सिंह है, बाबू साहब पीछे। अच्छा, वही परेशान किए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं वो? वो बोल रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो है ये रोड लेब तो लेब देखब कि के रोकी, और बार बार एक प्रजापति को जो है केस करवाते हैं, कभी 144 करवा रहे हैं, कभी 107 करवा रहे हैं, और मेरा मकान गिरते जा रहा है, हम बना नहीं पा रहे हैं इसे, इससे केस लड़ेंगे तो मकान बनावेंगे हम। देखिए ये जिस प्रकार ये एड्रेस बता रहे हैं, ये एसटी है, आदिवासी, चेरो आदिवासी है। हाँ, और कोई बाबू साहब है जो इस जमीन को लेकर के, या फिर उधर जो बंटवारे के लिए मांग कर रहे हैं, यही ना? बंटवारा या फिर हिस्सा या फिर जो भी है नमापी के लिए, जबकि ये पुराना घर है आपका। तो अब आप अपने ये जो अभी थाना प्रभारी आए थे या थाना प्रभारी के पास आप गए थे, क्या आपके साथ मिसबिहेव हुआ जैसा आप बता रहे थे? वो कल हम लोग को बुलाए थे कि आइए दोनों को सहूलियत जो है जिसमें हो प्राइवेट जमीन या सरकारी इसको जैसे हल कर लीजिए, तो शाम में मिले नहीं, उसको भगा दिए, हम लोग बैठले रह गए। तो फिर एक कांस्टेबल से हम पूछे कि हम लोग आए थे इसीलिए तो कल 10 बजे आना, और 10 बजे आए तो हमारा काम तो चल रहा था, है ना, यहाँ मना कर दिया तो भागो यहाँ से, थोड़ा दूर रखे दाँत दर्द करता है। अच्छा, तो आप थाना चलिए। थाना गए तो हमारा साथ एक पत्नी गई, एक लड़का गया, तो बोले कि हमारा लड़का ठीक है, प्रजापति के साथ तो मेरा जो है ये है झगड़ा, नापी हम तो करवा लेंगे, लेकिन थर्ड पर्सन ने बाबू साहब है वो FIR कीजिए, हम लोग रास्ते में रोक रहे थे, समझ गए, तो देख ले हम, मैंने धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे थे, तो इस पर आप FIR कीजिए। इतने में बमा गए कि चलो अभी कोर्ट गया है तो समझाओगे हमको, समझ गए।
हमारे लड़का को पहले डांटे तो लड़का भाग गया, वो 15-16 साल का है। एक बाद जो है से हमको कहे कि तो हम जाएं सर पेपर वगैरह कुछ देखिएगा, एक भागो यहाँ से। इसके बाद हम निकल गए, इसके बाद पत्नी जो है पीछे से डंटा लेकर दौड़ा रहे थे पिटेला, ये बोलने लगे कि तबीयत खराब है उनको, ना तो तब तक इनको नरेटिव पकड़ लिया इनको। देखिए ये थाना प्रभारी का बिहेव है ये महिला के साथ, वो क्या बोले आपको, क्या कहे आप बताइए तो पहले। इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ तुम, इधर आ जाओ। आपके साथ क्या थाना वाला मिसबिहेव किया? बोला कि इनका तबीयत खराब है, बोले कि सर से इनका तबीयत खराब है, से नहीं बोल पाएंगे, से थोड़ा सा आप जो है सो अथी कर दीजिए सर, कागज पत्र देख लीजिए सर। तो थाना प्रभारी जो है से इतने में बमक गए और इतना गुस्साने लगे और धर के पीछे से ऐसे धर लिए हमको। आपको? हाँ, तब मैंने पुरुष 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 जो है महिला के ऊपर इस तरह का। तो हम रोते हुए डंटा लेके फिर निकले, फिर जानते हैं कि हम रोते हुए वहाँ से भागे इनको लेके कि फिर मार उड़ देगा तो वो बेकार न हो जाएगा, से कह के कमजोर अपने हैं दवाई खाते हैं। आई हम लेके इनको कहा कि चलिए जी यहाँ नहीं रहिए, नहीं तो ये सब का कर देगा, चलिए इनको पकड़ के हम लोग भाग गए डर लेके। तो मैंने क्या लग रहा है आपको, इस तरीके का कौन ऐसा धमकी दे रहा है, क्या क्या दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं, घर मत बनाओ? हाँ, दबाव देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पीछे वाले हैं बिहारी सिंह बाबू साहब हैं, से तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ, यही कह के वो हमको बार बार धमकी देते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं। कितने साल से आप रह रहे हैं? कम से कम अथी 55 साल से ऊपर हो गया होगा। देखिए क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम रचना कुमारी है। तो आप लोग के साथ भी क्या उस तरीके का कभी झगड़ा हुआ इसके पहले भी? हाँ हुआ, जब हम लोग पीछे साइड में बाउंड्री दे रहे थे ना, उस टाइम भी मतलब उन लोग आया था, मारपीट किया है। कब की बात है ये? हो गया लगभग 2021 के। 2021 उस समय बाउंड्री के लिए वो क्या रोक रहे थे? हाँ, बाउंड्री के लिए रोक रहे थे कि हमको 10 फीट छोड़ दो, हमको रास्ता चाहिए, हमको कार घुसाना है। अच्छा, ऐसे हुआ तो फिर उठा हम लोग पैसा की वजह से मतलब बाउंड्री हम लोग नहीं दे पाए, और केस भी उस पर चला तो हम लोग हो गए चुपचाप हो गए। और फिर जब हम लोग का आज हुआ तो आज भी फिर हम लोग का तो फिर यही कांटर करने डालने लगा कि मत बनाओ मत करो, पहले भी यही किया आज भी यही कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं गरीब देख करके और लाचार आदिवासी देख करके इस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं। वो हमेशा जाते भी रहेगा तो कुछ कुछ बोलते रहेगा, किधर मत निकलो, गली देन मत निकलो, गली भी निकलने के लिए मना कर रहा है, किधर ये मत फेंको, कचरा मत फेंको, इधर मत निकलो। जैसे हम लोग उधर रास्ता है पुराना जगह थी है ना गोंडी, वहाँ उसी तरफ से निकलते थे पहले, शुरू से ही वो रास्ता है, हम लोग उधर से आनजान करते थे, बाद में घर बना तो इसमें बाबू साहब यहाँ पे बसे हुए है ना, तो मतलब इनके जो गार्जियन थे मम्मी के वही उनको मतलब बसाए हुए है, हमारे घर के बाद मतलब ये तो फिलहाल 5-6 साल से मतलब ये रह रहे हैं यहाँ पे। अब फिर दादागिरी दिखाने लगे? बस 5-6 साल से रह रहे हैं, इसमें ही उनको दादागिरी चल रहा है। देखिए इनका कहना यही, उन्हीं उनको जो इन्होंने बसाया वही इस तरीके से आज अत्याचार कर रहे हैं कि आप कुछ है ये नहीं है आपका। हाँ। यही बसा इनका गार्जियन, वही कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं है यहाँ। देखिए जिस थाली में खाते हैं, जो कहावत है ना, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद किया, तो यही जमीन देने वाले हैं उनको, और यही बसाए हैं और आज वही जो है इस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं। देखिये कहीं ना कहीं जब इस तरीके का अत्याचार और शोषण होता है तो द न्यूज रेवोल्यूशन हमेशा ऐसे गरीबों के साथ रहती है, और मैं अपने चैनल के जरिए से थाना प्रभारी से, यहाँ के जो DC हैं उनसे मेरा निवेदन होगा, जो SCP हैं, कि आप त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले पर विचार करें, क्योंकि ये शहर है। हाँ बोलिए। जब मतलब बाबू साहब थाना प्रभारी आए हुए थे, उनको बोले हम कि सर हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम लोग को FIR करना है बाबू साहब पे, इन पे मतलब बिहारी सिंह जो है उन पे, तो क्या बोल रहे हैं कि तैयार मतलब सुरक्षित है, आज सुरक्षित है, तो हम उनको बोले कि मेरा घर तो टूटा नहीं था, हम सुरक्षित महसूस कर रहे थे, आज हम घर तोड़े हुए हैं, हम कैसे मतलब सुरक्षित महसूस कर रहे, पहले भी हम लोग को मारपीट हो चुका है, जब हम लोग बाउंड्री दे रहे थे, तो मतलब क्या बोले इस पे कि यहाँ दोनों में टोपी खुलवा लो, सामान रखवा लो, लाइसेंस बनवा लो, करवा लो, जाओ। फिर लास्ट में क्या बोलते जा रहे हैं कि जाओ SP पास जाना है, SP पास चले जाओ। ये मैंने थाना प्रभारी का, हाँ मतलब हम लोग बोले कि हम लोग को मतलब अच्छी करना है, FIR करना है, FIR दर्ज कराने करना है, तो वो मतलब तो नहीं तैयार करने गए थे। हाँ मतलब यही पे आया था, हम लोग को बोले मतलब हम लोग इसे करवाना चाह रहे हैं, इस पे वो बोल रहे हैं कि टोपी खुलवा लो, अच्छी करवा लो। देखिए जब किसी दलित आदिवासी पर इस तरीके का शोषण होता है तो द न्यूज रेवोल्यूशन हमेशा उसके साथ खड़ी होती है, और मैं अपने चैनल के जरिए से SCP से, यहाँ के DC से, और जो TOP के प्रभारी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप त्वरित कार्रवाई करें, इस तरीके का आप गुंडागर्दी जो कर रहा है उस पर तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर उचित तरीके से संज्ञान लें, ताकि आपकी जो जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जिस प्रकार ये धमकियां मिलती है इनको,
वो कम से कम दुर्घटना या घटना किसी तरीके का अनहोनी ना हो, मैं अपने चैनल के जरिए से ये आवेदन या निवेदन कर रहा हूँ आपसे। और मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, देखिए पुराना घर है, आगे भी है, और अब हम आपको अंदर लेके चल रहे हैं, जो पुराना बाउंड्री है, पुराना घर है, उसके बावजूद इस तरीके का क्यों धमकियाँ मिल रही है, क्यों डराया जा रहा है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए, देखिए ये यहाँ जो है, इधर आ जाइए, इधर ये पूरा देखिए, पुराना इनका घर है और ये पुराना हाता है, और इसी हाता को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, यही ना है ना, क्या बोलते हैं, 10 फीट दीजिए, कितना फीट है उधर रास्ता, 6 फीट है, हाँ। और बोलते हैं तोड़ के 10 फीट और इधर करो। अब देखिए वो पुराना जो घर है, मैं दिखाने के लिए प्रयास करूँगा, कैमरा मैन से कहूँगा, इधर देखिए ये पुराना घर है, ये पुराना घर नहीं, पे भी तो 50 साल से कम का पुराना घर नहीं है, और उसी के सामने से ये बाउंड्री गया हुआ है। तो जिसको अगर उधर घर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी गरीब को डरा के धमका के और इसको आप ये जगह ले लीजिएगा, ये कहीं से भी चुके, ये आपको सरकारी मिला था, ये देखिए सरकारी मिला था, और सरकार बेवकूफ़ नहीं है, सरकारी कोई भी योजनाएं मिलती है तो जांच पड़ताल करके कि इनका प्लॉट इनका खाता है कि नहीं है, उसके बाद ये मिलता है। ये कुआं भी आपको मिला था, देखिए ये पुराना कुआं है, ये पुराना कुआं है जो पुराना ही होगा, है ना, और ये इसके बावजूद भी देखिए, ये इनका जमीन है तभी इसको ये कुआं पास हुआ होगा, ये बाथरूम पास हुआ होगा, अन्यथा नहीं हुआ होगा। ये पुराना भी देखिए, ये पुराना घर है, और इस तरीके से कोई गरीब को, क्या आपको लगता है कि मतलब गरीब जान के या आदिवासी समझ के आपको इस तरीके का सताया जा रहा है? हाँ ये तो बात फिक्स है, समझ गए, दूसरा कुछ नहीं, वो कहा कि सलाह बेकार है, सलाह जो है ना रहने लायक इन लोग आदमी नहीं है, समझ गए। तो आप थाना प्रभारी से और एसपी से और जिले के अधिकारी से क्या निवेदन करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हम मतलब जहाँ है वहीं रहें, हम किसी को लूट रहे हैं न छीन रहे हैं, समझ गए, हम अपना घर को बनावें और बाल बच्चा को सुरक्षित रखें। आज तो कहीं हमारा उन्होंने सर छुपाने के लिए भी नहीं जगह बचा हुआ है, वो भी कच्चा घर जो है गिरने की स्थिति में है। देखिए इधर इधर आ जाइए, इधर कच्चा घर था, मैं कैमरे में छाकर करूँ, इधर आ जाओ आप, ये देखिए, और ये कच्चा घर है, और अभी पीएम आवास मिला है जिसको ये बना रहे थे, और इस तरीके से जो दबंग लोग हैं वो कहीं ना कहीं डरा के धमका के उनसे रास्ता मांगने की कोशिश। आपका क्या नाम है? रोशन सिंह चेरो। आप बताइए आपके पिताजी इस तरीके से बात, क्या सच्चाई है और क्या लगता है आपको इस तरीके का? सारी बातों में सच्चाई है, जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आज आप लोग थाना गए या टीओपी गए, तो क्या वहां से क्या बिहेव आप लोगों के पास किया गया? आज हम थाना नहीं गए, हम जॉब करते हैं बाहर में। अच्छा अच्छा। हम एक हफ्ता से बीमार थे, आज ही 4 दिन से एडमिट भी थे हम, आज हम डिस्चार्ज लेके इतना सुनने के बाद भागे भागे आए, आज ही हम जबरदस्ती आज डिस्चार्ज नहीं कर रहा था, फिर भी डिस्चार्ज होके आए आज। क्या बोले, कैसे आपको सूचना मिला कि आपके यहाँ कुछ हो रहा है? फोन किए कि टीओपी में गए थे मम्मी पापा, बहन फोन की कि टीओपी में गए थे मम्मी पापा, मम्मी को मारने दो, पापा को दौड़ा रहा था, मम्मी को भी मारने दौड़ा रहा था, मम्मी को पीछे से गर्दन पकड़ लिया और भगा दिया सबको। देखिए जिसके हाथ में सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वही इस तरीके से कहीं ना कहीं पैसों का खेल मुझे दिखता है, चूंकि ये गरीब लोग हैं और गरीब पैसा देते नहीं है, और थाना प्रभारी जिसको मिला पैसे के दम पर, लोग इस तरीके से डरा के धमका के किसी को अतिक्रमण करने का कोशिश करवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं थाना प्रभारी भी इसमें मिलीभगत है और उनका कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार संलिप्तता नजर आ रहा है। आप पुराने व्यक्ति हैं, क्या कहेंगे, इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, आप भी चेरो समाज से हैं, क्या कहेंगे? हाँ, मेरा नाम चंद्रिका सिंह चेरो हुआ, और हम बहुत पहले से, पहले मैं दूध बेचा करता था, तो करीब 75-78 में जो है इधर आया करता था, एक मकान मात्र थे जो पुराना है, देखा जाता था जो इनकी मम्मी पापा रहा करते थे, उषा देवी के मम्मी पापा, और आज हम देख रहे हैं जब हम लोग का इतना आबादी होते भर में जो है से, या तो गरीब जान करके या पुअरमैन जान करके जो है से लोग जो है से आजू बाजू वाले जो है से डेरा धपका रहे हैं, तो इसमें हम यही चाहेंगे जे हमारे सुरक्षा के लिए यहाँ उपायुक्त पलामू है, एसपी हैं, और इसको संज्ञान ले, अन्यथा बाध होकर के हम लोग के कड़ा इसको एक्शन लेना होगा। जी चलिए, देखिए ये गार्जियन है, पुराने हैं, इसलिए मैंने इनसे बात करने की कोशिश किया, और जैसा जानकारी मुझे लग रहा है या जिस तरीके की स्थिति और परिस्थिति लग रहा है, कहीं ना कहीं जिसके हाथों में जिम्मेवारी होती है सुरक्षा की,
वही इस तरीके का अगर अत्याचार करने लगे तो फिर जनता कहीं ना कहीं, अभी जैसे इन्होंने कहा कि अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो बाध्य होकर हमको विचार करना पड़ेगा। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन, मैं अजय सिंह अपने सहयोगी संवाददाता के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए। खबरें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस खबर को कम से कम अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो थाना प्रभारी हैं, जो TOP के हैं या फिर SAP हैं, उनको इस मुद्दे को संज्ञान में लिया जा सके। और ये शहर है और शहर में इस तरीके का अनहोनी ना हो, क्योंकि एक बीते की ज़मीन के लिए यहाँ लोग मार काट कर देते हैं, तो ये तो पूरी ज़मीन इनकी है और इस पर लोग इस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरें अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इस मामले पर संज्ञान लिया जा सके। जो आप देख रहे हैं ये लगभग 50 साल पुराना घर है इनका, और इसी घर पे PM आवास इनको मिला है और PM आवास को ये बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जिस प्रकार यहाँ के या फिर इस जो मालिक हैं इस ज़मीन के, उनको किस प्रकार अत्याचार किया गया, यहाँ तक कि जब ये मामला TOP में लेकर गए तो वहाँ से भी इनको भगा दिया गया और मजबूरन आज फिर इन्होंने सूचना दिया, तब जाके ये द न्यूज़ रेवोल्यूशन आपको ये हकीकत चीज़ें दिखा पा रहा है। ये देखिए पूरा इनका जो ज़मीन है, इधर अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यही PM आवास बन रहा है। ये पुराना घर है लेकिन कुछ दबंग लोग जो है इनको डरा के और रास्ता मांगने की कोशिश कर रहे, जो कहीं से भी मुझे उचित नहीं दिख रहा है। ये पुराना घर जो ब्लू वाली जो आप दीवार देख रहे हैं ये बरसों पुराना है और इस पर इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। और ख़ासकर ये मामला इसलिए मुझे उठाना पड़ा कि यहाँ के जो TOP हैं, दो नंबर थाना के प्रभारी, उन्होंने महिला के ऊपर इस तरीके का अत्याचार किया और जो पुरुष हैं उनको मारने दौड़े थे, तब जाकर महिला बचाने गई और उनको भी गला कहीं ना कहीं धर लिया गया पीछे से। तो ये कहीं ना कहीं अत्याचार है और ये ST SC परिवार से लोग आते हैं, तो आप समझिए कि इस तरीके से क्यों प्रयास किया जा रहा है लोगों को दबाने का। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।